वालेकुम स्टूडेंट, ECD क्लास 3। टुडे आई इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट काउंट डाउन। वन है, सेकेंड एडिशन बुक से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की है। अब हम पेज नंबर जो है हमारा फर्स्ट है स्टूडेंट, पार्ट वन है। डू यू रिमेम्बर, ऑन ईच शेल्फ कलर द टू दैट आर सेम, मतलब कलर करने की। आपको पूरा शेल दिया गया स्टूडेंट, इसमें आपने जो एक शेल है उसमें आपने देखने हैं दो एक जैसे एनिमल हैं, तो आपने उनको क्या करना है, कलर करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायरल, ठीक है, वो क्या है, सेम है, हमने देखा इस पूरे शेल में, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, कलर करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसमें क्या करना है, कलरिंग करनी है। आपने ये नोट करना है, दो एक जैसे सिमिलर हो, मतलब एक जैसे हो, मिलते जुलते हो, आपने उन दोनों एनिमल्स के अंदर आपने क्या करना है, कलरिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर की है। एंड देन हम आपको, मैं नेक्स्ट बताती हूँ, नेक्स्ट शेल में आप देखें, ये देखिए फ्रॉग है, फिर क्या है, रैट है, फिर फ्रॉग है, तो हमने देखा यहाँ पर दो फ्रॉग है, तो हमने फिर क्या करना है, कलरिंग करनी है, हमने फ्रॉग में कलर करना है। ये देखिए मैं कलर कर रही हूँ फ्रॉक में, हमें पता है फ्रॉक ग्रीन कलर का होता है, तो मैंने इसमें ग्रीन कलर कर दिया है। जो सिमिलर हो, एक जैसे हो, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, उन्हीं में आपने क्या करना है, कलरिंग करनी है। स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पर आपने देखना है टर्टल है, फिर इधर डॉग है, फिर टर्टल है, तो आपने इधर देखना है जो सिमिलर है आपने उन पे कलर करना है। जैसे यहाँ पर देखनी है स्नेल है, फिर कैट है, फिर स्नेल है, तो आपने जो दो चीजें सिमिलर है आपने उन्हीं दोनों में कलरिंग करनी है। तो स्टूडेंट हमारा जो बुक वन ना काउंट डाउन बुक है, उसका पेज नंबर जो वन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।